हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का कबाब, वो भी सिल्की स्मूदी ग्रेवी के साथ। अगर आप चिकन की डिशेस खा कर हो गए हैं बोर, तो ये कबाब ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बनके तैयार होता है और मुंह में जाकर घुल जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टिक्का बनाने के लिए हाफ के जी चिकन लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है और अब कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, फिर मैंने ऐड किया है नमक, वो भी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, और साथ ही साथ जाएगा चाट मसाला जो कि मेज़रमेंट में 1/2 टीस्पून है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी गरम मसाला जो कि 1/4 टीस्पून है। बहुत थोड़ा सा आप ऐड कीजिएगा गरम मसाला, और साथ ही साथ जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने 1 टेबल स्पून भरकर दोनों को ऐड करा है, और साथ ही साथ काली मिर्चों का पाउडर जो कि 1/2 टीस्पून है। और अब इसमें ऐड करेंगे ब्रेड, तो ब्रेड आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप पानी में भिगोकर इसे निचोड़ कर भी ऐड कर सकते हैं। तो छोटे छोटे पीसेज मैंने काट तोड़ लिया है और इसे ऐड कर लिया है। और अब जाएगा इसमें एक अंडा। अगर आपको अंडे से एलर्जी है तो आप अंडा स्किप कर सकते हैं, लेकिन अंडा ऐड करने से इसमें बाइंडिंग अच्छी आती है। और 1 टीस्पून के करीब यहाँ पर लेमन का जूस मैंने काट कर यूज़ किया है, तो आप मेज़रमेंट में 1 टीस्पून लेकर ऐड कर सकते हैं। अब इसे हमें पीस लेना है, तो एक ग्राइंडर जार में डालना है और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो स्मूथ सा ग्राइंड हो चुका है, इसे रखते हैं एक साइड पर। और इधर वाइट ग्रेवी के लिए एक पेस्ट को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है फ्रेश क्रीम जो कि 1/3 कप मैंने मेज़रमेंट में लिया है, और 3 हरी मिर्च ली है, और यहाँ पे 5 से 7 काजू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और इसका भी एक फाइन पेस्ट को तैयार कर लेना है, रखना है इसको एक साइड पर। तो अपने हाथों में थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे और अब इसे टिक्की का शेप दे देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे गोल शेप भी दे सकते हैं, या फिर टिक्की या कबाब का भी शेप दे करके, आपको जैसे मर्जी हो आप इसका शेप देकर इसे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टिक्की का शेप दिया है और इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी मोटी रखी है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 10 से 12 टिक्की बनके तैयार है। तो अब इन कबाबों को हमें फ्राई कर लेना है, तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और मैंने धारा रिफाइंड तेल यूज़ किया है इसे फ्राई करने के लिए। तेल गर्म हो जाने पर हमें कबाबों को इस तेल में ड्रॉप कर देना है। 1 बाय 1 करके हम सारे कबाब को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम, और साइड्स को टर्न करते रहेंगे जिससे जो कबाब है वो 100% कुक हो और अंदर से कच्चा नहीं रहे। तो बस साइड्स को टर्न करते रहिएगा और कबाब को फ्राई कर लेंगे। इसमें तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेगा। आप लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कीजिएगा, और जैसे ही इसमें एक कलर आ जाए, गोल्डन का मार्क आ जाए, तो बस हमारे कबाब एकदम तैयार है फ्राई होकर। तो आप देख सकते हैं सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, उस पर अच्छा सा एक मार्क आ गया है। तो बस फ्लेम को करेंगे टर्न ऑफ और सारे कबाब को हम निकाल लेंगे। और आप इस कबाब को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में गाइस। और अगर आपको सिल्की ग्रेवी के साथ खाना है, तो चलिए इसकी सिल्की ग्रेवी को भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो सिल्की ग्रेवी बनाने के लिए एक पॉट ले लेना है, और इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून भरकर बटर, और फ्लेम को रखेंगे एकदम से लो, और साथ ही साथ ऐड करेंगे तेल। तो तेल ऐड करने से जो बटर है ना वो जलता नहीं है, और बस इसे मेल्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो सिर्फ बटर में भी इसे कुक कर सकते हैं या फिर तेल में भी आप इसे कुक कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे बटर पूरा मेल्ट हो चुका है, तो जो मैंने काजू और हरी मिर्च की पेस्ट बनाई थी उसे अब इस पॉइंट पे ऐड कर देना है पॉट में, और फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम, और इसे लगातार आप 1.5 से 2 मिनट तक कुक करते रहेंगे, और जितनी भी रॉ स्मेल है वो रिलीव हो जाएगी। और जैसे ही हमारी जो पेस्ट है काजू की वो थोड़ी थोड़ी थिक होनी शुरू हो जाए, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पर मैंने भरकर 250 ग्राम फ्रेश क्रीम ले लिया है, मैंने अमूल का लिया था। अगर आपको जो भी ब्रांड अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे ऐड कर लिया है, और साथ ही साथ हम ऐड करेंगे दूध जो कि 1/2 कप है, मेज़रमेंट में 125 ml है। कच्चा, पक्का, बॉयल, ठंडा, गर्म, जो भी आपके पास दूध अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हैं, और इसे क्रीम के साथ आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम को रखेंगे एकदम से लो टू मीडियम। एक बार भी आप हाई मत कीजिएगा, नहीं तो जो क्रीम है बहुत जल्दी थिक हो जाता है। अब कुछ मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला और नमक ऐड किया है जो कि 1/4 टीस्पून है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, टेस्ट करके अगर ज़रूरत हो, फील हो तो आप ऐड कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, क्योंकि बटर, क्रीम और जो चाट मसाला ऐड किया उसमें काफ़ी नमक होता है, तो बस टेस्ट करके आप नमक ऐड कीजिएगा। एक बॉयल आने का वेट कर दीजिएगा, जैसे ही ग्रेवी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा वैसे ही जो चिकन का टिक्किया बनाकर हमने रखा था बस वो ऐड कर देना है इस ग्रेवी में। तो अब जो कबाब है वो हम ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोट कर लेंगे, और 1.5 से 2 मिनट तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा कबाब है वो ऑलरेडी फ्राई है, और जो ग्रेवी है मैंने पहले ही इसे कुक कर लिया था 3 से 4 मिनट तक। और बहुत ज़्यादा जो क्रीम है ना उसे कुक नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो क्रीम का टेस्ट ख़राब हो जाता है। ढक कर आप कुक कर लीजिएगा, नहीं तो काफ़ी चटकता है ये, और आप देखिए थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो चुका है।
और बॉयल भी हो रहा है ग्रेवी, तो इस पॉइंट पर हम थोड़ी सी क्रीम और इसमें ऐड कर देंगे ताकि और भी ज़्यादा रिच और थिक लगे। तो बस ये ऑप्शनल था, अगर आप चाहें तो नहीं भी ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी जो सिल्की टिक्की कबाब है वो एकदम रेडी है, तो गर्म ही गर्म इसे सर्व कर लीजिएगा। अगर आपको थिक ग्रेवी पसंद नहीं है तो आप कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको थोड़ी सी रनी चाहिए तो आप उसमें दूध, गरम दूध थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा और उसे रनी भी आप बना सकते हैं। तो बस इसे गरम गरम ही सर्व कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब ये सुपर डुपर डिलीशियस टेस्टी रेसिपी बन के तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इनफैक्ट ये रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर जब चिकन की डिशेज खाते हैं उसे कहीं ज़्यादा टेस्टी है, तो आप एक बार घर पर बनाइएगा, ऐसा लगेगा कि आप रेस्टोरेंट बैठ के इसे खा रहे हैं। ऊपर से मैंने गार्निशिंग किया है क्रीम से और बटर मेल्ट करके, काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत टेस्टी बनता है गाइस। ऊपर से थोड़ा सा आप काली मिर्चों का पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे और इसे सर्व करेंगे गर्म ही गर्म। और जब आप सर्व कीजिएगा तो आप फिर से क्रीम या बटर ऊपर से सर्व कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी और जैसे भी आपको खाने का मन हो बस आप बनाइए और खाइए, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। और आप किसी के पास भी इसे सर्व कीजिएगा तो बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे कि ये चिकन टिक्का जो है वो घर पर बनाया हुआ है, काफ़ी टेस्टी बनता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल टेस्टी मेड हिंदी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अंदर से तोड़कर दिखाती हूँ, ये काफ़ी स्मूथ और मुंह में जाकर घुल जाने वाली ये रेसिपी है, तो आप बस ट्राई कीजिएगा। वन टाइम सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, आपने पहली बार अगर विज़िट किया मेरे चैनल पर तो ऐसी इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। और बस अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू, बाय।